नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानेंगे कि क्या है अर्थ दीपावली का और क्यों ऐसा है कि दीपावली के दिन जो है वो कहा गया कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और वास्तु के दृष्टिकोण से वो क्या छोटे से उपाय हैं जो कि आप अपने जीवन में अपना करके माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। पर उससे पहले जानेंगे कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है। जैसे कि सब जानते हैं कि दीपावली से पहले लोग जो है स्वच्छता, अपने घर को स्वच्छ करने में व्यस्त हो जाते हैं, पर लक्ष्मी का आगमन तब क्यों होता है, क्या अर्थ है लक्ष्मी का? लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य पर मेहनत करना, यानी कि जब आप अपने लक्ष्य पर मेहनत करते हैं तो ही लक्ष्मी आपके पास आती है। और लक्ष्य जब तक नहीं होंगे, ना ही लक्ष्य आपके पास होगा, ना ही आप लक्ष्य पर मेहनत कर पाएंगे। अब आपके पास लक्ष्य कब होगा? जब आपका मनस जो है वो क्लियर होगा, और वास्तु पुरुष आपका मनस है। जब आपका मनस यानी कि आपका वास्तु पुरुष यानी कि आपका घर, जब आप अपने घर में स्वच्छता लानी शुरू करते हैं दीपावली से पहले, तो यानी कि आपने अपने मनस को क्लियर किया, आपने अपने माइंड को क्लियर किया। तो जैसे ही आपका माइंड जो है क्लियर होना शुरू होता है, आपके जीवन में आप अपने लक्ष्यों को लेकर क्लियर हो जाते हैं, और आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए उस पर मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्मी आती है। यह है वास्तविकता में लक्ष्मी का अर्थ। यह है कार्तिक मास में वो एक ऐसा समय जिस समय एक नई रोशनी की किरण यानी कि एक नया उदय वो होता है। तो बहुत जरूरी है, ना ही केवल भवन के तल पर, क्योंकि ये जो भवन है ये कौन है? ये आपकी परछाई है, ये आपका स्वरूप है। भवन के तल और मनस का तल, आपके शरीर का तल और आपके मन का तल, यानी कि आपका भवन अगर स्वच्छ होगा आपका मनस स्वच्छ होगा, आपका मनस स्वच्छ होगा आपका मन स्वच्छ होगा, और आपका शरीर भी स्वच्छ होगा। तो ये एक तल पर नहीं घटित होता, ये हर एक तल यानी कि मनस का तल, यानी कि भवन का तल, यानी कि मन का तल, और यानी कि शरीर का तल, जब यहां स्वच्छता होती है तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। पर क्या ये केवल दीपावली के दिनों में सफाई जो है वो जरूरी है? नहीं। वास्तु का पहला नियम है स्वच्छता, और जैसे ही घर में स्वच्छता आती है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। केवल वही एक साधन है, वही एक जरिया है, बाकी सब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि हम किस तरह से चीजों को और देखते हैं, पर पहला नियम वास्तु का क्या है? स्वच्छता। और जैसे ही पहला नियम आप अपनाते हैं वास्तु का, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो जाता है। तो ना ही केवल एक दिन को दीपावली के तौर पर देखें, हर दिन जो है वो दीपावली की तरह अपने भवन को, अपने शरीर को, अपने मनस को, अपने मन को स्वच्छ करते चलें। इस दीपावली के दिन आप वास्तु के दृष्टिकोण से बाजार से धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन एक चांदी का सिक्का वो लाकर अपने घर के वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर स्थापित करें। चाहे वहाँ एक पिगी बैंक लगा कर रखें, चाहे लॉकर में रखें, चाहे वहाँ किसी शेल्फ पे रख दें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में धनतेरस वाले दिन लाकर आपको जरूर रखना है। और साथ ही साथ में ग्रहों को, नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा उपहार ट्रेंडी वास्तु परिवार की ओर से एक पेंटिंग जो कि ग्रहों को ध्यान रखते हुए, नक्षत्रों को ध्यान रखते हुए, तत्वों को ध्यान रखते हुए बनाई गई है, वो आप सब लोग हमारी वेबसाइट www.trinityvastu.com जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप अपने डाउनलोड टिप्स में जा करके, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी डाउनलोड टिप्स में जा करके आप डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट जो है वो निकलवा के आप उसको ब्राउन फ्रेम में अपने घर के साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण डायरेक्शन में लगाएं, और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है आप सब पर होगी। और यही आशा है, यही उम्मीद है कि ना ही केवल एक दिन जो है वो दीपावली हो, हर दिन दीपावली हो, हर दिन वो एक नई रोशनी की किरण हो, हर दिन एक नया सवेरा हो। इसके लिए स्वच्छता जो है वो
भवन के तल पर, मन के तल पर, शरीर के तल पर और मनस के तल पर, ये सभी तलों पर जब स्वच्छता होगी तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर होगी। एक बार फिर से आप सभी को ट्रिनिटी वास्तु परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।